नमस्कार, जेबी रोड जॉब, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव, लोकेशन जंगली महाराज रोड, सैलरी डिपेंड ऑन इंटरव्यू एंड एक्सपीरियंस, एजुकेशन 12th एंड एनी ग्रेजुएट, डिसेबिलिटी लोकोमोटर अर्थो पार्टियल, एज 8235, लैंग्वेज मराठी हिंदी इंग्लिश, सेंड योर रिज्यूम एंड आधार कार्ड ऑन दिस लिंक वॉज अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉन्टैक्ट नंबर 9347412595, धन्यवाद। नमस्कार, दिव्यांगजनों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए 1 जुलाई से UDID लागू। दिव्यांगजनों का हक मारने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भास्कर न्यूज, भिवानी। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त एडवोकेट राजकुमार मक्कड़ ने कहा है कि दिव्यांगजनों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए 1 जुलाई से UDID कार्ड लागू हो चुका है। दिव्यांगजनों को नौकरी या अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए UDID देना जरूरी होगा। इसके साथ ही दिव्यांगजनों का हक मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार दिव्यांगजनों के हितों के लिए गंभीर है। इसी के चलते हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1800 नई बसें आएंगी, जिनमें से 900 बसें दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए लो फ्लोर होगी। मक्कड़ रविवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए MDU रोहतक व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में परिसर में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए लो फ्लोर की बसें चलाई गई है, ताकि एक से दूसरी फैक्ट्री में जाने में दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों को नौकरी देने के लिए 3 कॉरपोरेट सेक्टर कंपनियों से समझौते हुए हैं और सुभाष चंद्र से भी बात चल रही है। दिव्यांगों को गृह जिले में दी जाएगी पोस्टिंग। आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगों को ऑनलाइन तबादला नीति से बाहर निकालकर उनके गृह जिले में पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वे और अधिक कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर सके। इस दौरान ऑल हेल्थ एम्प्लॉय दिव्यांगजन हरियाणा की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में राज्य प्रधान सुखबीर मलिक, नवनवीन नीत कुंडू, जगदीश प्रसाद, जनकराज, वीरमती अनामिका, कुलदीप शतरंज सहित उनके गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ग्रुप सी और डी में दिव्यांगों को मिलेगा उनका पूरा कोटा। दिव्यांगजन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में CET के माध्यम से भर्ती होने वाले ग्रुप सी और डी में दिव्यांगों को उनका पूरा कोटा मिलेगा। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों के प्रमाण पत्रों की री असेसमेंट की जाएगी। यदि दिव्यांग प्रमाण पत्र में कोई कमी छोड़ दी जाती है तो उसकी अपील पंचकुला मुख्यालय पर कर सकते हैं, जिसमें 3 चिकित्सकों की टीम उसका री असेसमेंट करेगी। धन्यवाद।